नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इलेवन और मैं हूं आपके साथ अविनाश पांडे। इधर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पे राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि राजनीतिक उथल पुथल के बीच फिल्म का ट्रेलर जब लॉन्च हुआ और फिल्म के ट्रेलर में क्या कुछ है इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मनमोहन सिंह, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, एक के बाद दूसरा करप्शन स्कैंडल इस माहौल में राहुल कैसे टेक ओवर कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है ये NSE तय करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर से राजनीति में बवाल शुरू हो गया। साहब भीष्म जैसे लगते हैं। इसके विकास के लिए हमको न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, ये पार्टी को एक्सेप्टेबल नहीं है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि किस तरीके से सोनिया गांधी के बताए हुए रास्ते पर मनमोहन सिंह ने देश के हर फैसले लिए। सोनिया गांधी जी ने जो फैसला लिया है उस पर आपकी राय क्या है? प्राइम मिनिस्टर के किरदार में अनुपम खेर ने काफी उम्दा किरदार निभाया है। मनमोहन सिंह, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा। संजय बारू के किरदार में अक्षय खन्ना दिख रहे हैं। पीएम के लिए काम करता हूँ, पार्टी के लिए नहीं, लेकिन पीएम तो पार्टी के लिए काम करते हैं बारू। वहीं ट्रेलर की शुरुआत अक्षय खन्ना के डायलॉग से होती है, जहाँ अक्षय खन्ना कहते हैं कि महाभारत में तो दो फैमिली थी, इंडिया में एक ही है। महाभारत में दो फैमिलीज थी, इंडिया में तो एक ही है। ट्रेलर में यह दर्शाया गया है कि मनमोहन सिंह के हर छोटे बड़े फैसले में सोनिया गांधी हस्तक्षेप करती थी। एक के बाद दूसरा करप्शन स्कैंडल इस माहौल में राहुल कैसे टेक ओवर कर सकता है? अक्षय खन्ना ट्रेलर में यह भी बोलते हुए दिख रहे हैं कि 100 करोड़ की आबादी वाले देश को यह गिने चुने लोग चलाते हैं और देश की कहानी लिखते हैं और मैं उनकी कहानी लिखता हूँ। 100 करोड़ की आबादी वाले देश को ये गिने चुने लोग चलाते हैं, ये देश की कहानी लिखते हैं और मैं उनकी कहानी लिखता हूँ। ट्रेलर में दिखाया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के लिए बहुत सारे निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन सोनिया गांधी के किरदार में सुजैन बर्नेट उन्हें इनकार कर देती है। प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है ये NSE तय करेगी, इनकी समझ में आएगा? PMO means business. ना सर, द डॉक्टर सिंह means business. आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री कश्मीर के मामले को हल ढूंढना चाहते हैं, पर सोनिया गांधी इस बात से इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि अगर आप पाकिस्तान के साथ शांति का समझौता करेंगे तो नए प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? मैं कश्मीर का हल ढूंढना चाहता हूँ। अगर आप पाकिस्तान के साथ शांति का समझौता करेंगे तो नए प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? ट्रेलर में हम यह भी देख सकते हैं कि कांग्रेस मनमोहन सिंह को हटाकर राहुल गांधी को सत्ता देना चाहती है। चुनाव अभियान राहुल लीड करेगा। विजय रत्नाकर के निर्देशन में बने इस फिल्म के ट्रेलर ने राजनीतिक सरगर्मी को तेज कर दिया है। अब यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि ये फिल्म क्या धमाका करती है और राजनीतिक गलियारे में इस फिल्म के आने के बाद क्या हलचलें होती हैं। न्यूज वन इलेवन के लिए प्राची के साथ कृष्णा की रिपोर्ट। तो इस तरीके की और भी खबरों से अपडेट होने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें Facebook पर लाइक करें और आप हमें Twitter पर फॉलो जरूर करें। लेकिन फिलहाल इतना ही, नमस्कार।